नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाड़े के मौसम में जोड़ों के दर्द में होना बहुत ही एक आम समस्या है। अगर आपके घर में कोई एक बड़ा बुजुर्ग होगा तो आपने देखा भी होगा कि जॉइंट्स में अगर उनको पहले पेन रहा है तो वो ठंड के दिनों में और भी ज़्यादा तकलीफ देने लगता है। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, तो इसी पे आज का ये मेरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर का बटन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों, जाड़े के मौसम में जोड़ों में दर्द होना एक बहुत ही आम बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द जो जाड़े के मौसम में बढ़ जाता है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जाड़े के दिनों में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो ठंड की वजह से थोड़े उनमें श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़न आ जाती है और वे जो हमारी नर्व्स होती हैं उन पे दबाव डालते हैं और इस वजह से जोड़ों में हमें दर्द हो जाता है। दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि चूंकि जाड़े के मौसम में हम पानी बहुत उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पीते हैं जितना कि आवश्यक होता है, पानी प्यास हमारी कम हो जाती है, इस वजह से जो टिश्यूज़ का सेल्स का हाइड्रेशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी जोड़ों में दर्द होना एक कॉमन समस्या बन जाती है। नेक्स्ट इसका कारण हो सकता है कि जो जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं उनके बीच का जो साइनोवियल फ्लूड होता है, बोन्स के बीच में जो फ्लूड होता है, साइनोवियल फ्लूड कहते हैं हम, जॉइंट का जो फ्लूड होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, वो टेम्परेचर के डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंटली एक्ट करता है। इस वजह से भी जॉइंट में पेन जो है जाड़े के मौसम में बढ़ जाता है। तो ये इसके कुछ कारण हुए। अब मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिंस बता देती हूँ, कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिंस आपकी इसमें मदद कर सकती हैं। तो पहली जो बहुत ही अच्छी इसमें जो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है वो है रस्टॉक्स। जाड़े के मौसम में जकड़न बढ़ जाती है, अगर आपके जोड़ों में जकड़न बढ़ जाती है, सुबह के समय आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है लेकिन कुछ देर तक आप मूव कर लेते हैं तो इसमें आपको आराम उसके बाद आराम मिल जाता है, या थोड़ी सिकाई कर लेते हैं तो आराम मिल जाता है, तो इसके लिए रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। रस्टॉक्स को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंदें सुबह लेनी है और 2 बूंदें शाम को लेनी है, रोज की रोज लेनी है जब तक कि आपकी समस्या समाप्त नहीं हो जाती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है रूटा। रूटा भी स्टिफनेस इन जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपके जोड़ों में स्टिफनेस रहती है, आप बैठते हैं काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता है, लेकिन जब आप उठते हैं उठने के टाइम पे ही आपको ज़्यादा दर्द होता है, मोशन से आराम मिल जाता है, तो ये भी रस्टॉक्स की तरह ही इसके सिम्टम्स काफ़ी मेल खाते हैं। तो आपको ये दोनों ही मेडिसिन्स लेनी है जाड़े के मौसम में। अगर आपके जोड़ों में स्टिफनेस है, जकड़न है और आपके जोड़ों के दर्द बहुत परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मूवमेंट कर लेते हैं, मोशन से आपको आराम मिल जाता है, तो इसमें रस्टॉक्स और रूटा दोनों आप लें। दोनों को ही 30 पोटेंसी में लेनी है, अल्टरनेट करके लें, एक को सुबह लें, एक को शाम दोपहर में लें, फिर शाम को लें रस्टॉक्स को, फिर रात में रूटा लें। इस तरह से अल्टरनेट करके 4 बार लें आप, टोटल 4 बार हो गए। जैसे रस्टॉक्स को आपने मॉर्निंग में लिया, दोपहर में आपने रूटा को ले लिया, फिर शाम को रस्टॉक्स को ले लिया और रात में रूटा को ले लिया, तो इस तरह से दोनों मेडिसिन आपको अल्टरनेट करके लेनी है। एक मेडिसिन और है जो कि अगर आपके पैरों में मरोड़ भी हो रहा है साथ में, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मैग्नीशिया फॉस। 6x पोटेंसी में आपको रोज के रोज इसकी 4 गोलियां लेनी है। मैग्नीशिया फॉस क्रैम्प्स के केस में अगर आपके पैरों में मरोड़ हो रही है तो और दबाने से आराम मिल रहा है तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप मैग्नीशिया फॉस, रस्टॉक्स और रूटा को जाड़े के मौसम में अगर आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो इन तीनों मेडिसिंस को लें। और साथ में ही एक मैं ऑयल बता देती हूँ, रिमेटॉन ऑयल, हेबडेको कंपनी का आता है ये रिमेटॉन ऑयल। मैं एक छोटा सा पिक्चर भी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा और इसको बाजार जाकर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर की शॉप से खरीद लेंगे आप, आराम से मिल जाती है ये। तो रिमेटॉन ऑयल को आपको जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है वहाँ पे हल्का मसाज कीजिए, सुबह शाम इसको लगाइए और साथ में ये तीनों जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है मैंने वो लीजिए। इसके साथ ही लक्षण जो हैं वो कई तरह से हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। अगर आपको
मोशन से आपकी तकलीफें बढ़ जा रही हैं, आपको मोशन से मूवमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, जब बल्कि आपकी तकलीफें बढ़ जा रही हैं, तो इसमें ब्रायनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ब्रायनिया को आपको 200 पोटेंसी में लेना है, हर चौथे चौथे दिन पे आप इसको रिपीट करें और साथ में रिमेटॉन आयल लगाएं। सुबह और शाम आपको रिमेटॉन आयल हेबडाको कंपनी का लगाना है और साथ में ब्रायनिया 200 आपको लेना है हर चौथे दिन पे। अगर आपको मूवमेंट से दिक्कत हो रही है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं या आप थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं जॉइंट में, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर से आपको आराम मिल रहा है, या चुपचाप बैठे हैं तो आराम मिल रहा है लेकिन मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी तकलीफें बढ़ जा रही हैं, तो इसमें ब्रायनिया का अच्छा रोल है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला ऐसे जॉइंट्स पेन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जब आपके जो पेन है वो कभी इस एक पैर में लेफ्ट में हो रहे हैं तो कभी राइट में हो रहे हैं, कभी एक हाथ में दर्द हो रहा है, कभी दूसरे हाथ के जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग टाइप का पेन है, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है, तो इसमें पल्सेटिला का बहुत ही अच्छा रोल है। पल्सेटिला में गर्मी में गर्म से आप सिकाई करते हैं तो इसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ठंडे में जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं तो इसमें आराम मिलता है, जॉइंट पेन में आराम मिलता है, तो ये पल्सेटिला के लक्षण हो जाते हैं। क्योंकि मरीज के हिसाब से सिम्टम्स वैरी करते हैं, इसीलिए मैं जो जो सिम्टम्स हो सकते हैं पॉसिबल आप में उनके हिसाब से मेडिसिन बता रही हूँ। अगर आपके जोड़ों में जकड़न है, दर्द है, तो आप इसमें रेस्टॉक्स, रूटा और मैग्नीशिया फॉस लें। अगर आपको मूवमेंट से दिक्कत हो रही है तो आप इसमें ब्रायनिया लें, और अगर शिफ्टिंग टाइप का पेन हो रहा है तो आप इसमें पल्सेटिला लें। पल्सेटिला को आप 200 पोटेंसी मिलें, 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम को, और इसे हफ्ते हफ्ते रिपीट करें और साथ में रूमेटॉन आयल लगाएं। तो आशा करती हूँ कि ये मेरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को आप इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। तो दूसरे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।